नमस्कार दोस्तों आई एस पी एस पाठशाला आप सभी का स्वागत है आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उस गूगल फॉर्म में क्या है और मैंने उसका लिंक क्यों दिया है ये मैंने वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया है तो आप लास्ट तक बने रहिएगा आशा करता हूँ आप सभी ने मेरा लास्ट दो वीडियो जरूर देखा होगा जिसे मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया है कि कोई ऑप्शन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म क्यों करता है और किसी ऑप्शन से ज़्यादा बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं और आपके लिए कौन सा ऑप्शनल सही रहेगा और अगर से आपने कोई ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है तो क्या पैरामीटर्स आप यूज़ कर सकते हैं अपना ऑप्शनल चूज़ करने के लिए जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं वो मेरा वो दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इस वीडियो में एंथ्रो ऑप्शनल की बात करूँगा जैसा कि आप सबको पहले ही पता होगा कि मेरे हर एग्ज़ाम में एंथ्रो ही मेरा ऑप्शनल था एंड आई स्कोड प्रिटी वेल मैं ये सेफली बोल सकता हूँ कि एंथ्रो मेरा वन ऑफ़ द स्ट्रॉगेस्ट पॉइंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत से भ्रम्स मिसकनसेप्शंस और बच्चों के बीच में जो एक डर है एंथ्रो को लेके कि एंथ्रो में बहुत कम मार्क्स मिलता है वो दूर करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि एंथ्रो को कैसे डील करना है उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं और आप कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंथ्रो में आगे पढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि एंथ्रो में मार्क्स कम मिलता है ये बात आपको दिमाग में नहीं रखनी है कि एंथ्रो मार्क्स का मिलता है क्योंकि एंथ्रो भी बाकी ऑप्शनल की तरह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है इवन कहीं कहीं तो ज्यादा स्कोर हो जाता है एंथ्रो में एज कम्पेयर टू बाकी ऑप्शनल मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ प्रीवियस ईयर बच्चों का जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एंथ्रो में मार्क्स कैसे मिलते हैं जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे पास एक सिक्सटी फोर्थ बी का रिजल्ट है इसमें आप देख सकते हैं एंथ्रो में वन सेवन सेवन मार्क्स मिला है जो कि काफी अच्छा है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में अगर सब साइंस को छोड़ दें तो क्योंकि साइंस हर कोई ले भी नहीं सकता उसको छोड़ दें तो और सब्जेक्ट के कम्पेरिज में एंथ्रो में ये वन काफी अच्छा मार्क्स है इसी तरह आप एक और रिजल्ट देख सकते हैं ये सिक्सटी फिफ्थ का है इसमें इनको 163 मार्क्स मिला है इवन तो इनको देखिए जी टू में 140 मार्क्स मिला है जो कि उतना अच्छा नहीं है फिर भी इन्होंने सेफली 549 स्कोर किया और ऑफ जो थी वो 532 थी तो अब यहाँ देख सकते हैं कि एंथ्रो में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं मैं कुछ और आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ ये देखिए सिक्सटी का है इसमें इनको वन मार्क्स मिले अभी आप बताइए आप कम मार्क्स बोलेंगे काफी अच्छा स्कोर है काफी अच्छा स्कोर है ये भी सिक्सटी का है और यहाँ आप देखिए इनको टू जीरो एट मार्क्स ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है, है एंथ्रो में तो आप ये देख रहे हैं एंथ्रो में बच्चों ने दो सौ भी पार कर लिया है अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए ये पर्याप्त है दिखाने के लिए कि एंथ्रो में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपके पास राइट right गाइडेंस हो राइट right स्ट्रेटेजी हो राइट right मटेरियल हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता एंथ्रो में एक अच्छा मार्क्स लाने में अगर साफ ऑप्शनल में अच्छा करते हैं तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम जरूर होगा दोस्तों यहाँ आप मेरी बात गलत करने के लिए भी दिखा सकते हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं जिनको कम मार्क्स मिला है बट ऐसे तो हर सब्जेक्ट में होगा ना चाहे आप मैथ्स ले लीजिए चाहे केमिस्ट्री ले लीजिए चाहे आप पी ले लीजिए कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए आप, आपको उसमें कम मार्क्स मिलेगा ही इवन एंड जीएस टू में भी कम मार्क्स मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जीएस का पेपर हम नहीं देंगे हाइएस्ट और अच्छे मार्क्स दिखाने का सिर्फ एक मकसद होता है की आप वहां तक पहुंच सकते हैं जब किसी और ने किया है तो आपके लिए भी वो चीज बहुत अचीवेबल है आप उसको अचीव कर सकते हैं तो दोस्तों एंथ्रो के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है मैं ये नहीं कह रहा हूँ

स्टडीज एग्जाम्पल्स ये यूज करेंगे तो बहुत इजिली अपने पेपर को इनोवेट कर सकते हैं अगर सबके पास कंटेंट कम रहेगा तब भी आप डायग्राम के थ्रू अपने अपने आंसर्स को काफी अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं और कम वर्डों में काफी कुछ लिख सकते हैं तीसरा यह है कि पेपर जो है स्टैटिक होता है तो ईयर बाय ईयर पेपर चेंज नहीं होता कुछ करंट का अपडेट होता है जो आपको एज ए एग्जाम्पल या फिर केस स्टडी में ऐड करना पड़ेगा उसके अलावा पेपर ऑलमोस्ट स्टैटिक रहता है तो आपको ईयर बाय ईयर नए चीज़ पढ़ने नहीं पड़ेंगे चौथा कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हो ये स्पेसिफिकली यूपीएससी वालों के लिए अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो आपको एंथ्रो का फायदा जीएस में भी मिलेगा और एस में भी मिलेगा और पांचवा यह है कि बी में एंथ्रो को हम बहुत कम टाइम में भी प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि क्योंकि बी में क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन होता है आपके पास टू ए और टू बी में ऑप्शन होता है चाहे आप टू ए का आंसर करिए टू बी का आंसर करिए तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप चाहे थियरी पार्ट का आंसर कर सकते हैं या फिर आप बायोलॉजिकल पार्ट का आंसर कर सकते हैं तो आप देखिए पेपर ऑलमोस्ट आधा हो जाता है क्योंकि जो थियरी पार्ट होती है वो काफी भारी हो जाता है तो अगर थियरी पार्ट को आप छोड़ देते हैं तो पेपर ऑलमोस्ट आपका आधा हो जाता है और छठवां पॉइंट ये कह सकते हैं कि आप नॉर्मल पढ़ाई करके भी आप एवरेज मार्क तो ला ही सकते हैं बेसिक पढ़ाई करके भी एंथ्रो में आप अगर हम कुछ नेगेटिव की बात करें तो पहला पॉइंट यही कह सकते हैं कि एंथ्रो में अगर से आप अच्छा लिखेंगे नहीं बाकी से अच्छा नहीं लिखेंगे वही मोनोटोनस जो एक दो किताब लोग भाष में पढ़ के चले जाते हैं वही पढ़ के आप चले जाएंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ कि कितने बच्चे एंथ्रो चूज करते हैं तो सारे पेपर में अगर एग्जामिनर को वही आंसर मिलेगा तो वो आपको मार्क्स क्यों देगा तो आप ये भी सोचिए ना एक ही आंसर लिखा रहेगा उसी भाषा में से लोग डटा रटाया लिख के आ जाते हैं तो एग्जाम में मार्क्स कहाँ देगा वो तो एक ये रहता है कि अगर आप अपने आंसर को बाकी से अलग नहीं करते तो आपका मार्क्स उसमें रिड्यूस होने के पूरे चांसेस होते हैं और दूसरा ये है कि बहुत से बच्चे रट नहीं पाते बहुत से बच्चे को रट्टाफिकेशन चीज़ें बहुत देर तक याद नहीं रहती हैं तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आंथर बहुत कुछ रटने वाला भी है तो यहाँ कुछ बात की पॉजिटिव नेगेटिव की जिसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा भारी है क्योंकि जहाँ तक रही रटने वाली बात तो रटना तो जीएस में भी आपको पड़ेगा और जहाँ तरी इनोवेट करने की बात तो इनोवेट भी आपको जीएस में करना रहेगा तो इसीलिए अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ज्यादा है इस कंपेयर टू नेगेटिव तो आप निश्चिंत रहिए आपने सही ऑप्शन चूज किया है बस आपको उस आप काम करने की जरूरत है आगे हम थोड़ा एंथ्रो के सिलेबस की बात कर लेते हैं यहाँ मेरे पास बीपीएससी का सिलेबस है आप यूपीएससी और यूपीपीसी का सिलेबस भी देख सकते हैं मैं उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है क्योंकि बहुत से मटेरियल्स ऐसे हैं जो मैं यूट्यूब पर नहीं वीडियो बना सकता हूँ बट वो मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ वो मेस बहुत काम आते हैं वो वैल्यूडिशन पॉइंट्स हो गए चाहे केस स्टडीज़ हो गई चाहे एग्जाम्पल्स हो गए वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता रहता हूँ तब वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं चलिए यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं बेसिकली एंथ्रो में आप देख सकते हैं ना पेपर वन हो जो होता है यहाँ पेपर वन की बात करते हैं जो पेपर वन है उसमें दो पार्ट होते हैं पहला होता है फिजिकल या फिर उसका बायोलॉजिकल भी कर सकते हैं और दूसरा होता है सोशल और पेपर टू की बात जहाँ तक करते हैं पेपर टू में होता है इंडियन और ट्राइबल एंथ्रो तो टोटल ये चार पार्ट होते हैं पेपर और पेपर तो को डिवाइड किया जाता है जहाँ तक अभी बीपीएससी के बाद की बात तो बीपीएससी में तीन सेक्शन होते हैं सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री सेक्शन वन और सेक्शन थ्री जो होता है कंपलसरी होता है और सेक्शन टू में आपको सेक्शन टू ए या टू बी में से कोई एक करना होता है तो आप इस सिलेबस को देख सकते हैं मैं सिलेबस अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा आप वहाँ से देख सकते हैं इसको पढ़ सकते हैं अब यहाँ हम एंथ्रो के रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं देखिए रिसोर्सेज की बात करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे इवन मैक्सिमम बच्चे जो है वो सिर्फ भाषमे विवेक भाषमे जी की बुक जो आती है सिर्फ उसी को रिफर करते हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बुक है सिर्फ उसी को रेफर करते हैं और बोलते हैं कि मेरा मार्क्स कम आया तो जैसे मैंने पहले बताया है कि वो बुक काफी मोनोटोनोस हो जाती है और सिर्फ उसी बुक्स का कंटेंट लिख के वो बुक वो बुक काफी पहले लिखी भी गई है तो उसमें बहुत कुछ अपडेट नहीं हुआ है तो अब सिर्फ उस बुक का आंसर लेके आपको मार्क्स 100 परसेंट बहुत कम मिलेगा ही मिलेगा आपको अगर से एंथ्रो में एक्सेल करना है आपको एंथ्रो में थोड़ा अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको थोड़े अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा आपको उसके अलावा भी कुछ और बुक्स रेफर करनी पड़ेगी जिसके जिससे आप अपने क्वेश्चन को दूसरे लोगों से अलग कर पाए और एक अच्छा केस प्रेजेंट कर पाए अपना एग्जामिनर के सामने कुछ और बुक्स जो है ये देखिए आप एग्जाम

ये उपाध्याय गया पांडे जी की बुक है थॉट्स के लिए थियरी के लिए यह है इंडियन एंथोपालॉजी पेपर वन की नदीम हसनैन की यह है ट्राइबल एंथोपालोजी नदीम हसनैन की यह फिजिकल एंथोपालॉजी पी नाथ की ये कुछ बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं सेलेक्टिवली पढ़ सकते हैं अगर जो पॉइंट सिलेबस को देखिए जो पॉइंट उसमें से आपको पढ़ना हो वो सेलेक्टिवली आप इन, इन बुक में से पढ़ सकते हैं और सबके बाद यूपीएससी के जो बच्चे पढ़ते हैं पर बीपीएससी के बच्चे मुझे लगता है काफ़ी छोड़ देते हैं वो है ये खाखा कमेटी की रिपोर्ट खाखा कमेटी की रिपोर्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये आपको पढ़नी ही पढ़नी हो पड़ेगी आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं आप पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर से आप सिक्सटी एट्थ दे रहे हैं सिक्सटी नाइन्थ देंगे तब आप पढ़ सकते हैं पर अगर आप सिक्सटी सेवन्थ देंगे तो आप ये पूरी रिपोर्ट पढ़ नहीं सकते हैं और आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको इस रिपोर्ट की समरी पढ़ लेनी है वो मोर देन इनफ है इसकी समरी आपको विवेक भाषमी जी की बुक है वो पीछे भी समरी दी हुई है और मैं कोशिश करूँगा कि अपने टेलीग्राम पर भी इसकी समरी अपलोड कर दूँ तो ये आप अच्छे से कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में तो इससे आपके आंसर को ऑथेंटिसिटी मिलती है इन सब के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एंथरों का आंसर लिखते वक्त आपके दिमाग में होने चाहिए और ये आपके आंसर में होने ही होने चाहिए एट एनी कॉस्ट तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कुछ पॉइंट है डायग्राम अगर आप फिजिकल एंथ्रो के आंसर लिख रहे हैं तो आपके आंसर्स में डायग्राम होने चाहिए इवोल्यूशन ऑफ मैन लिख रहे हैं अगर आप एंथ्रो में या फिर जेनेटिक्स के लिख रहे हैं आपके में डायग्राम होने चाहिए फ्लो चार भी फिजिकल एंथ्रो में फ्लो चार भी काफी इंपॉर्टेंट है तीसरा थिंकर्स चाहे आप इंडियन एंथ्रपोलॉजी केन्सर लिख रहे हो या फिर सोशल के आंसर लिख रहे हो आपके आंसर्स में थिंकर्स के नाम होने चाहिए उनके बुक के नाम होने चाहिए एंड इफ पॉसिबल उनका बुक कब पब्लिश हुआ है उसका भी नाम होना चाहिए ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कब पब्लिश हुआ है फॉर एग्जाम्पल अगर से आप संस्कृताइजेशन के बारे में लिख रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि एम एस श्रीनिवास ने ये कॉन्सेप्ट किस

का आंसर बाकी से अलग होगा उतना ही आपका आंसर जो है वो आज के रिलेवेंस का होगा हो तो में में क्या क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए से आपका दूसरों दिखे। UPSC और बीपीएससी का सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम होता है लेकिन यूपीएससी और बीपीएससी के जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसमें डिफरेंस होता है इसलिए आप यूपीएससी में तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पर बीपीएससी में आप सिलेबस का बहुत सा पार्ट छोड़ सकते हैं जैसा कि हमने देखा कि सेक्शन टू में टू ए टू बी में से आपको एक पार्ट चूज करना होता है तो वहाँ पे आपके पास एक लेवरेज रहता है वहां पे आपके पास एक सुविधा रहता है कि आप दोनों में से एक पार्ट छोड़ सकते हैं अगर कम है तो लेकिन अगर आप एक पार्ट छोड़ रहे हैं तो दूसरा पार्ट आपको बिल्कुल अच्छे से करना होगा जो मैंने आपको एंथ्रो की बुक्स बताई है वो यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए लेकिन अगरस आपको अच्छा है लेकिन अगर एंथ्रो में अच्छा स्कोर करना है तो आपको कुछ बुक्स वो भी पढ़नी पड़ेगी जो यूपीएससी के लिए है जिसको जनरली यूपीएससी के बच्चे रेफर करते हैं क्योंकि अगर आप देखें ना किसी भी ऑप्शनल में देखें चाहे एस हो गया मैथ्स हो गया सोशोलॉजी हो गया कोई भी ऑप्शनल आप देखें तो उसमें जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स आ रहा है ना जनरली वो ऐसे

बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे यूपीएससी वालों के लिए भी और बीपीएससी वालों के लिए भी बट अभी इसमें कुछ टाइम लगेगा ये नोट्स ऑलमोस्ट सेवन नोट में होंगे इसमें आपको पेपर वन पेपर टू दोनों के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव नोट मिल जाएंगे प्लस इसमें वो हर बुक इंक्लूड की गई है जहां पर मैंने आपको जो इतनी बुक दिखाई है चाहे भास में हो गई अक्षर जयंती की हो गई एनके वैद की हो गई ब्रेंट्री हो गया इग्नू का हो गया तेलुगु अकेडमिक बुक हो गई गया पांडे जी की बुक हो गई इवन उन नोट्स में मेरे भी नोट्स रहेंगे और मेरे सीनियर्स के भी नोट्स रहेंगे जो हमने बनाए हैं अपने के के लिए। अफेयर्स फेयर रिलेटेड जो है पॉइंट्स वो भी आपको इंक्लूडेड मिलेंगे इसमें कोशिश किया गया है कि वो हर चीज डाला जाए जिस, जिसको आप रेफर करें तो आपका यूपीएससी का भी बहुत ईजिली हो जाए और बीपीएससी का भी हो जाए जिनको यूपीएससी पढ़ना है वो उन नोटबुक्स को यूपीएससी के परिसेक्टिव से पढ़े और जिनको बीपीएससी के लिए देना है वो उस नोटबुक को बीपीएससी के परेक्टिव से पढ़े प्लस उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डायग्राम इंक्लूड करें ज्यादा ज्यादा फ्लो चार्ट यूज करें जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि आपके आंसर में होने चाहिए वो हर पॉइंट में इंक्लूड करें ताकि उसके अलावा आपको कहीं और ना जाना पड़े तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एंथ्रो का एक ओवरव्यू दिया है मैं डिटेल वीडियो इस पर लाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि आपको टॉपिक वाइज कैसे चलना है आपको हर टॉपिक में कैसे आंसर लिखने हैं कैसे डायग्राम कैसे फ्लोचार्ट बनाने हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगा जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं टॉपिक वाइज एंथ्रो सिलेबस को काफी ब्रेक डाउन करके रखा है इजली समझने के लिए हर पॉइंट को बट मुझे पता नहीं है कि कितने सीरियस स्पूडेंट है एंथ्रो को लेकर या इवन बीपीएससी और यूपीएससी को भी लेकर इसीलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है जो जो स्टूडेंट सीरियस है बीपीएससी को लेकर यूपीएससी को लेकर यूपीपीसीएस को लेकर वो उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दे जिससे मुझे आइडिया होगा कि कितने इंटरेस्टेड है और तब मैं और ऑप्शनल को कवर करूंगा अभी तो मैं एंथ्रो को बता रहा हूँ इसके अलावा और भी जो बच्चे दूसरा ऑप्शनल लिए हैं चाहे लिएग्रफी हो गया चाहे सोशियलॉजी हो गया मैं उनको भी कवर करूंगा बस मुझे इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला और गूगल फॉर्म के थ्रू अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे तो।, तो दोस्तों आप सभी लोग मेहनत करते रहे और तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल